वीडियो केवल बच्चों और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। उपयोग किए गए और दर्शाए गए सभी पात्र केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं और यह किसी भी तरह से किसी की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। ड्रामा किड्स ने उपलब्ध निकटतम तथ्यों और कहानी के लिए सर्वोत्तम से जुड़े रहने की कोशिश की है। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ करे। नवरात्रि के पांचवे दिन देवी शक्ति को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। देवी को क्यों और कैसे देवी स्कंद माता के रूप में जाना जाता है, यह कहानी इसी बारे में है। एक बार भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में चले गए थे। देवताओं के अनुरोध पर सती का पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म हुआ ताकि वे भगवान शिव को अपने ध्यान से बाहर ला सके और एक ऐसे संतान को जन्म दे सके जो कि तीनों लोक में आतंक मचाने वाले राक्षसता का सुर का वध कर सके। पार्वती को स्वाभाविक तौर पर अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए ऋषि नारद ने पार्वती को अपने इस जन्म का उद्देश्य बताया था। लेकिन शिव को अपने ध्यान से बाहर लाने के लिए और उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि वास्तव में वो कौन है, पार्वती को घोर तपस्या करनी पड़ी। हजारों साल बीत गए लेकिन भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की ओर ध्यान ही नहीं दिया। शादी तो दूर की बात थी और वहीं तारकासुर शक्तिशाली होता जा रहा था और सभी देवता और चिंतित हो जा रहे थे। इसलिए देवताओं ने प्रेम के देवता काम यानी मन्मथ को भगवान शिव पर अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित करवाने का निवेदन किया। मन्मथ सहमत हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग भगवान शिव पर किया। भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा मन्मथ ने उनका ध्यान भंग किया है और तुरंत ही उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर मन्मथ को जलाकर राख कर दिया। शाम होकर जब भगवान शिव ने ध्यान से देखा तो उन्होंने पार्वती को उनके लिए तपस्या करते हुए पाया। शिव जी ने सोचा क्या नए जन्म में ये उनकी सती तो नहीं। मन्मथ द्वारा मंत्र दिए जाने के कारण भगवान शिव पार्वती की ओर आकर्षित भी हो गए, पर उनकी तीसरे आंख की उत्पन्न तीव्र चिंगारी पार्वती के लिए उनके प्यार के साथ मिलकर एक संतान बीज में परिवर्तित हो गया। लेकिन शिव के चिंगारी में इतनी ज्यादा गर्माहट थी कि अग्नि के देवता को भी तीव्रता का एहसास हो रहा था और उन्होंने उस बीज को देवी गंगा को सौंप दिया कि वे अपने ठंडक से शिव की चिंगारी को शांत कर दे, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। इसलिए देवी गंगा बीज को श्रवण के जंगल में ले गई जो कि दलदली था। इस बीज की देखभाल उन्होंने 6 बहनों को सौंप दिया जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। समय के साथ ये बीज मनोहर बालक बन गया जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे, जो कि ये बालक के देखरेख कृतिकाओं ने किया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। उन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका संस्कृत में कई मायने हैं। स्कंद का एक अर्थ बहना यानी प्रवाह होना होता है और जो कि कार्तिकेय शिव के तीसरी आंख से बहती हुई गर्मी और चिंगारी के कारण अस्तित्व में आए थे, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाने लगा और उनकी माँ पार्वती स्कंद माता यानी स्कंद की माँ कहलाने लगी। स्कंद शिव के बेटे थे जिनके हाथ तारकासुर का वध की नियति थी। तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि केवल शिव के संतान ही उन्हें मार सकेंगे। तारकासुर को मारकर स्कंद ने देवताओं को शांति प्रदान की और स्कंद माता यानी देवी शक्ति ने पार्वती के अवतार में पूर्ण जन्म लेके शिव के लिए तपस्या करके उनसे शादी करके इस दुनिया में स्कंद को भी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसलिए देवी स्कंद माता का भी एक बड़ा योगदान था तारकासुर के वध में। नवरात्रि के पांचवे दिन देवी शक्ति को देवी स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। देवी स्कंद माता को ज्ञान, धर्म और सहानुभूति की देवी माना जाता है।